हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू निंजा प्रैप दिस इज कपिल गोयल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बी एस सी के अंदर भी है कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसे एम एस सी प्री में डाला हुआ है कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसे एम एस सी फाइनल के अंदर डाला हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा जब भी आप इस लेक्चर को देखें ओवरऑल जो सब्जेक्ट का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले इसके अंदर जो हम चैप्टर डील करेंगे वो चैप्टर होगा लंग रेजेंट डायनमिक्स और उस लंग रेजेंट डायनमिक्स के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ़ फ्रीडम कंस्टेंट्स उसके बाद जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में तो इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिग्री ऑफ़ फ्रीडम और कंस्टेंट्स बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी कि बाद में आने वाले दिनों में इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो जो भी लोग एम फिज़िक्स में हैं चाहे वो प्री में है चाहे वो फाइनल में है अकॉर्डिंग टू आपका जो यूनिवर्सिटी करिकुलम है यूनिवर्सिटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देख लेना बी में भी कई जगह जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको ऐड किया हुआ है तो उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर्स जो हैं वो यूज़फुल रहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के क्लासिकल इलेक्ट्रो को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ और क्लासिकल इलेक्ट्रो कई जगह एम में डाला हुआ है प्री में कई जगह फाइनल में है और किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बी में भी है तो उसको भी अकॉर्डिंगली आप देख लेना एक बार तो लेक्चर को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार लाइक तो जरूर कर ही दो क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो ये जो वीडियोज़ हैं इनकी थोड़ी बहुत रीच बढ़ जाती है तो वो लोग जिन तक ये लेक्चर्स नहीं पहुंच पाते हैं जिनके काम के होते हैं तो उन लोगों तक भी ये लेक्चर पहुंच जाते हैं तो आपसे ये थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा अगर आप देखते हैं आपको थोड़ा भी काम का लगता है तो तो जैसा कि मैंने बोला मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ डिग्री ऑफ़ फ्रीडम क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे ये जानेंगे फिर हम इसी लेक्चर में जानेंगे कि कंस्टेंट क्या होता है आपके जो भी कमेंट्स हों पॉजिटिव नेगेटिव आफ्टर द लेक्चर तो वो प्लीज़ डू कमेंट्स इन योर इन कमेंट सेक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो वो बूस्टअप का काम करेगा अगर वो नेगेटिव होगा तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपग्रेड कर लूँगा अपने कंटेंट को चलिए बात करते हैं स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ़ फ्रीडम से तो अगर मैं डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की बात करूँ किसकी बात करूँ डिग्री ऑफ़ फ्रीडम तो देखो साहब सबसे पहले तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ी हुई है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है ना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो कि एक आ, जो सिस्टम है उसकी जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करें डायनेमिक सिस्टम की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब कर दे उसको हम क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं ठीक है थेके? मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट कोर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब डिस्क्राइब द डायनेमिक पोजिशन डायनेमिक पोजिशन टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ आ डनेमिक सिस्टम टिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ आ डाइनेमिक सिस्टम ठीक है ये तो हो गई डेफिनेशन अब इस डेफिनेशन का मतलब हम समझ लेते हैं कि मतलब क्या है सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर बोली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन में आपको एक चीज़ लिखी मिलेगी नंबर ऑफ़ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है ना अब इन चीज़ों का हम मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई कॉर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम मैंने लिया है काटेजियन कोर्डिनेट सिस्टम और वो ऐसा बना हुआ है एक्स वाई और जेड यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को मैंने लिखा P से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ क्लियर कर दूँ जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल से हम यहाँ पर पॉइंट से शो नहीं करेंगे हम पॉइंट नहीं बोलेंगे हम उसको पार्टिकल बोलेंगे तो कोई पार्टिकल जो है उसकी जो लोकेशन है उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जैड तो अब वो एक्स वाई जेड को मेरे को किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफ़ाइन करना है किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है किसी रेफरेंस और उस रेफरेंस के लिए मैंने किसको लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया है मैंने यहाँ पर लिया है काटेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये कुछ और भी हो सकता था यानी कि ये स्पेरिकल भी हो सकता था ये ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता था ये कोई सा भी कॉर्डिनेट सिस्टम हो सकता था तो अभी हम बात कर रहे हैं किसी कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम की तो इस कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस पार्टिकल की जो पोजिशन है उसको मेरे को डिस्क्राइब करना है तो पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ओरिजिन है मान लो क्या है ये ओरिजिन और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ज़ीरो कॉमा जीरो कॉमा ज़ीरो है मैं ये कह दूँ कि ये जो यहाँ पर कोई सर्टेन नंबर है भाई एक्स वाई जेड का मतलब क्या हुआ कोई नंबर है तो वो नंबर है लेट सपोज वो दो है वो पाँच है और वो आठ है ऐसे नंबर है यानी कि एक्स की वैल्यू दो है वाई की वैल्यू पाँच है और जेड की वैल्यू आठ है ठीक है तो मेरे को इसको डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि पहले मैं एक्स में ऐसे चलूँगा कितना चलूँगा दो फिर दो तक जाके मैं रुक जाऊँगा फिर मेरे को किधर किधर चलना पड़ेगा वाई में एक्स इधर है तो एक्स में मैं इधर चल रहा हूँ एक्स इधर है इधर चला फिर वाई में मैं इधर चला ऐसे और फिर जेड में मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा मेरे को वहाँ जाकर ये पॉइंट मिलेगा तो होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे आप कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि, कि किसी पोजिशन पार्टिकल की पोजिशन को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पता करना और उस एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए जो जो कोऑर्डिनेट्स उसमें पार्ट ले रहे हैं अब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ ये जो दो है ये एक्स में जो चले ये वाई से इंडिपेंडेंट है वाई से ये इंडिपेंडेंट है यानी कि वाई पर इस वाई से इसका को, का कोई लेना देना नहीं है इसी तरह से जब मैं वाई में चला ऐसे तो इसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है जब मैं ऐसे जेड में चला तो इसका जेड से कोई लेन देना नहीं है यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है इनकी एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो ये जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे जो कि क्या कर रहे हैं किसी डायनेमिक सिस्टम की पोजिशन को बता रहे हैं कि किसी टाइम पर ये कहाँ है किसी टाइम पर ये कहाँ है अभी यहाँ पर ये फिक्स दिख रहा है आपको हो सकता है कि ये किसी मोशन में होता तो अगर ये मोशन में होता तो मैं इस डेफिनेशन को ये भी बोल सकता था कि नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम ठीक है आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम अब बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम मिनिमम का क्या मतलब है कि जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह हमें तीन कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे है ना हो सकता है कि किसी सिस्टम uh, के अंदर हमें उसकी जो पोजीशन है वो दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर रहे हो हो सकता है कि किसी में उसकी जो पोजीशन है वो एक ही कोऑर्डिनेट से डिफ़ाइन हो रही हो तो जितने नंबर मिनिमम में जाएंगे तो वो मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो कि उसकी पोजीशन को बता सकें उसको हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ़ फ्रीडम कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टू डायमेंशनल सिस्टम है टू डायमेंशनल सिस्टम है मतलब आपके पास ये है ऐसा तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है उस पार्टिकल के कॉर्डिनेट्स हैं एक्सकॉमा वाई तो अब इसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू चाहिए मान लो ए ये पार्टिकल जो है एक सीधे ऐसा स्ट्रेट लाइन पर पड़ा होता तो स्ट्रेट लाइन पर पड़ा होता और इसको मैं बोलता एक्स और यहाँ पर ये पार्टिकल है तो अब इस पार्टिकल की पोजिशन को बताने के लिए इस लाइन के ऊपर आपको केवल एक कॉर्डिनेट चाहिए तो मिनिमम इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो का मतलब है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे तो मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो कि एक पार्टिकल की या ऐसा बोल लो सिस्टम की कौन सा सिस्टम डायनेमिक सिस्टम डायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो मैंने रेस्ट में लिया है, है ना हो सकता है वो मोशन में भी होता तो उसी डेफिनेशन को मैं अलग से बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ मिनिमम इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम तो मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग ना बोलूं तो उसको एक ही लाइन में कंक्लूड कर दिया कि इसमें डायनेमिक सिस्टम है डायनेमिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकता है पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि वो किस में हो मोशन में भी आ सकता है ठीक है तो वो एक ही वर्ड के अंदर कंक्लूड कर दिया पूरा तो ऐसे इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स मिनिमम इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स जो कि एक सिस्टम की पोजिशन को क्या कर दे डिस्क्राइब कर दे उसको हम क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं क्या कहते हैं डिग्री ऑफ़ फ्रीडम कहते हैं ठीक है और जो टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हालांकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं इसके आने वाले लेक्चर लेक्चर के अंदर कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की अगर मैं वापस से बात करूँ तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर टू डायमेंशन में कोई पॉइंट है कोई पार्टिकल है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कॉर्डिनेट्स चाहिए मिनिमम दो अगर थ्री डायमेंशन में है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने चाहिए कम से कम तीन यहाँ पर एक पार्टिकल है तो उसके लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट चाहिए तीन यहाँ पर एक पार्टिकल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट चाहिए दो मान लो ऐसा होता कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितने हो जाते दो हो जाते ठीक है यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितने हो जाते दो एक ये हो गया एक ये हो गया तो यहाँ पर हो गया x1, y1 और z1, और ये हो गया x2, y2 और z2। तो अब इसकी जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए तीन तो यहाँ हो गए कोऑर्डिनेट्स और तीन यहाँ हो गए ठीक है तो अब मान लो दो पार्टिकल सिस्टम है तुम्हारे पास कितना सिस्टम है टू पार्टिकल सिस्टम है तो टू पार्टिकल सिस्टम है जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में है किसमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स चाहिए तो वो कैसे बताएंगे भाई एक को डिस्क्राइब करने के लिए कितने चाहिए तीन तो दो को डिस्क्राइब करने के लिए कितने चाहिए छः तो दो को कितने चाहिए छः ठीक है अब मान लो ये सिस्टम ऐसा होता ये ऐसा होता कौन सा टू डायमेंशनल ये होता x और ये होता y एक पॉइंट हो गया यहाँ पर एक पॉइंट हो गया यहाँ पर इसको नाम दे दिया x1 y1 और इसको नाम दे दिया x2 y2 तो ये टू डायमेंशनल सिस्टम हो गया तो एक को डिस्क्राइब करने के लिए कितने चाहिए दो तो दो को डिस्क्राइब करने के लिए कितने चाहिए चार तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्डिनेट्स हैं जो कि एक पार्टिकल की या एक डायनेमिक सिस्टम की पोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं जब मैं थ्री की बात करता हूँ तो एक पार्टिकल के लिए कितने हैं तीन और थ्री में ही अगर दो पार्टिकल होते तो उसके लिए कितना आता छः इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ टू के अंदर तो एक पार्टिकल के लिए कितना दो तो इसी तरह से दो पार्टिकल के लिए कितना आता चार आता दो पार्टिकल के लिए कितना आता चार तो अगर मैं कहूँ कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में या मैं कहूँ कि एन पार्टिकल्स के लिए थ्री डायमेंशनल स्पेस में है ना एन पार्टिकल्स के लिए थ्री डायमेंशनल स्पेस में नंबर ऑफ जो कॉर्डिनेट्स हैं वो कितने चाहिए अब देखो यहाँ पर दो पार्टिकल सिस्टम थ्री डायमेंशनल स्पेस कितना आया थ्री इंटू टू आया कितना आया थ्री इंटू टू आया अगर मैं कहता तीन पार्टिकल हैं तो तीन पार्टिकल के लिए आप क्या लिखते थ्री इंटू थ्री अगर मैं कहता चार पार्टिकल है तो चार पार्टिकल के लिए, क्या लिए आप क्या लिखते थ्री इंटू फोर ठीक है भाई तीन तो नंबर ऑफ मिनिमम कॉर्डिनेट्स हो गए और दो पार्टिकल है तो तीन इंटू दो कर दिया इसी तरह से यहाँ तीन था तो तीन इंटू तीन कर दिया इसी तरह से यहाँ चार पार्टिकल हुए तो चार इंटू तीन कर दिया ये जो तीन है आगे वाला ये क्या है नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ठीक है ये नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है तो दो था तो दो तो गुणा तीन कर दिया तीन था तो तीन गुणा तीन कर दिया चार था तो चार गुणा तीन कर दिया मान लो यहाँ पर एन होते हैं एन पार्टिकल तो नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं थ्री एन नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो कि एन पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते उसको उसकी जो नंबर है वो कितनी हो जाती थ्री एन तो हम क्या लिख सकते हैं टू डिफाइन टू डिफाइन एन पार्टिकल्स एन पार्टिकल्स ठीक है टू डिफाइन एन पार्टिकल्स और टू डिस्क्राइब यहाँ टू डिस्क्राइब लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा टू डिस्क्राइब द पोजिशन द पोजिशन डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन थ्री डी स्पेस इन थ्री डी स्पेस नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कितने चाहिए थ्री एन कितने चाहिए थ्री एन वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आप लोगों के पास दो पार्टिकल हैं तो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट कितने चाहिए तीन तो टोटल कितने हो गए दो पार्टिकल के लिए छः अगर तीन पार्टिकल होते तो थ्री इंटू थ्री नाइन अगर चार पार्टिकल होते तो थ्री इंटू फोर इसी तरह से यदि एन पार्टिकल्स को आपको डिस्क्राइब करना है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे थ्री एन कितने हो जाएंगे थ्री एन तो थ्री एन क्या आ गया यहाँ पर डिग्री ऑफ़ फ्रीडम आ गया ठीक है थ्री एन क्या आ गया यहाँ पर डिग्री ऑफ़ फ्रीडम आ गया अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की तो मैंने कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ नहीं किया है कोई भी किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ नहीं किया है रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कंस्टेंट क्या होता है इसको मैं थोड़ी देर बाद बात करने वाला हूँ ठीक है इसको अभी थोड़ी देर बाद बात करने वाला है तो अभी के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए कितना आ गया थ्री एन आ गया इसी तरह से अगर मैं टू डायमेंशनल स्पेस के लिए बात करूँ तो एक पार्टिकल के लिए कितना था एक पार्टिकल के लिए दो दो पार्टिकल के लिए कितना हुआ चार अगर यहाँ पर तीन पार्टिकल होते तो उसके लिए कितना होता तीन इंटू दो छः अगर यहाँ पर चार पार्टिकल होता तो कितना होता चार इंटू दो बराबर कितना हो जाता आठ ठीक है तो अभी तक जो हमने बात की डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की बात की उस डिग्री ऑफ़ फ्रीडम में डिग्री ऑफ़ फ्रीडम को हमने डिफाइन कैसे किया कि जो मिनिमम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स थे जो कि किसी पार्टिकल की या किसी डायनेमिक सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन कर रहे थे उसको हमने क्या कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा था यहाँ पर डायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या था ऐसा सिस्टम जो कि अपनी जो पोजिशन है उसको चेंज कर सकता है यानी कि जो मोशन में भी आ सकता है तो उसको हमने क्या नाम दिया था डायनेमिक सिस्टम ठीक यहाँ तक मेरी समझ में सबको क्लियर हो गया होगा फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है आगे बढ़ते हैं अच्छा जी अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम फार्मूला बनाते हैं तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम का जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं थ्री डायमेंशन स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ और जब वो एन पार्टिकल्स के लिए हो ठीक है थ्री डी सिस्टम थ्री डी सिस्टम मतलब थ्री डायमेंशन सिस्टम या थ्री डी स्पेस भी बोल सकते हो और थ्री डी स्पेस स्पेस फॉर एन पार्टिकल्स फॉर एन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इज़ कॉल्ड कॉन्फ्यूग्रेशन स्पेस इज कॉल्ड कॉन्फ्योग्रेशन स्पेस तो जो थ्री डायमेंशनल सिस्टम है जब उसको हम एन पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करते हैं तो उस थ्री डी स्पेस को हम नाम दे देते हैं कॉन्फ्यूग्रेशन स्पेस ठीक है एक वर्ड लिखा आएगा लिखा मिलेगा जब भी आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर कॉन्फ्योगेशन स्पेस नाम का आपको वर्ड लिखा मिलेगा तो कॉन्फ्योगेशन स्पेस का मतलब क्या है कि थ्री सिस्टम के अंदर यदि एन पार्टिकल्स आप डिफाइन कर रहे हो तो वो जो स्पेस है वो क्या कहला जाएगा कॉन्फिगुरेशन स्पेस कहला जाएगा फॉर्मूला अगर लिखा जाए जनरलाइज फार्मूला लिखा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इजक्ल्स टू थ्री एन माइनस के क्या फार्मूला हो जाएगा एफ इजक्ल्स टू थ्री एन माइनस के यहाँ पर अगर कौन से टर्म्स का क्या मतलब है उसको देखा जाए तो यहाँ पर एफ जो है एफ एफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मतलब क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि बात की जाए एन की तो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि बात की जाए के की तो के का मतलब क्या है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन इंपोस्ड रेस्ट्रिक्शन बोल लो और कंस्टेंट इंपोज कंस्ट्रेंट इंपोज हालांकि ये जो फॉर्मूला है मेरे को कंस्टेंट पढ़ाने के बाद आपको बताना चाहिएगा पर क्योंकि डिग्री ऑफ़ फ्रीडम पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला तो आएगा ही कंस्टेंट हम इसके जस्ट बात पढ़ेंगे कंस्टेंट का मतलब क्या होता है आपको हल्का फुल्का आइडिया मैं दे दूँ कि कंस्टेंट का मतलब होता है कि यदि कोई पैरामीटर जो मोशन को रोक रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि मोशन को रोका जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है कंस्टेंट है तो कंस्टेंट का एक लाइन में मतलब समझ लो मोशन को रोकना वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक डायरेक्शन में हो वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में भी मोशन को इम्पोज़ किया जा सकता है मोशन को रोका जा सकता है तो ये डिग्री ऑफ़ फ्रीडम का हमारे पास फॉर्मूला आ गया अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि अगर हमसे इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि मेरे पास एक पार्टिकल है ठीक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन पार्टिकल फॉर वन पार्टिकल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम फॉर वन पार्टिकल अगर मेरे को डिफ़ाइन करना है तो वन पार्टिकल के लिए ये फार्मूला का यूज़ करूँ तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया एक कंस्टेंट कोई है ही नहीं कंस्टेंट कितना हो गया जीरो तो यहाँ पर एफ़ बराबर कितना हो गया थ्री इंटू वन माइनस जीरो तो वो कितना आ गया थ्री और हमने ये देखा भी था कि एक पार्टिकल सिस्टम के लिए जो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है वो कितना गया? आ गया था तीन आ गया था इसी तरह से टू पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालोगे तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं तो फॉर टू पार्टिकल सिस्टम टू पार्टिकल सिस्टम तो यहाँ अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए टू कंस्टेंट जीरो है तो कितना हो गया छः और यही हमने लिखा था थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे पास है एक सिंपल पेंडुलम क्या है सिंपल पेंडुलम ये सिंपल पेंडुलम हो गया तो सिंपल पेंडुलम को अगर मैं बना लूँ तो ये मैंने सिंपल पेंडुलम बना लिया तो अब सिंपल पेंडुलम में क्या देखोगे आप एक ऐसे स्ट्रिंग है और ये इस तरह से एंगल बना रहा है ऐसे ये इसकी पोजिशन आ गई ये हो गया कितना थीटा? यहाँ से एंगल बना रहा है और ये इसकी एंड कंडीशन हो सकती है और ये जो प्लेन जिसमें मोशन करेगा वो प्लेन है एक्स वाई ये हो गया वाई और ये हो गया x और बाहर की तरफ हो गया z तो अब मेरे को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे तो सबसे पहले चीज तो जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है थ्री एन माइनस के अब यहां पर एन बराबर क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मोशन किसकी हो रही है पेंडुलम की तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया एक है ना अब जो रेस्ट्रिक्शन जो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या दिख रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो रेस्ट्रिक्शंस दिख रहा है मेरे को वो क्या दिख रहा है कि इसकी जो लेंथ है यानी कि वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में इसकी लेंथ फिक्स हो गई तो तो है ना इनिशियली तो ये यहीं पर तो लेंथ इसकी फिक्स है लेंथ ना तो छोटी हो सकती है ना इसकी बड़ी हो सकती है ये यूँ ही झूलेगा ऐसे तो लेंथ हमेशा इसकी क्या रहेगी फिक्स रहेगी तो एक तो रेस्ट्रिक्शन हो गया वाई डायरेक्शन में लेंथ इज़ फिक्स्ड ठीक है तो लेंथ क्या हो गई फिक्स्ड हो गई सेकंड रेस्ट्रिक्शन जो मेरे को दिख रहा है इसके अंदर वो शायद आपको भी दिख रहा होगा कि ये एक्स वाई प्लेन है तो ये यूं ही चल रहा है यूं एक्स वाई प्लेन के अंदर ये मोशन कर रहा है ये ऐसे आगे नहीं जाएगा यूं ये इस तरह से नहीं जाएगा ये इस तरह से ही घूमेगा सिंपल पेंडुलम यूं चलेगा तो यूं चलेगा तो इसका प्लेन फिक्स हो गया कौन सा फिक्स हो गया एक्स वाई प्लेन फिक्स हो गया तो इसकी जो मोशन है वो केवल और केवल कौन से प्लेन में होगी एक्स वाई प्लेन में होगी ठीक है तो मोशन इज ओनली इन एक्स वाई प्लेन मोशन इज ओनली एक्स वाई प्लेन तो मेरे को यहाँ पर कुल मिलाकर कितने रेस्ट्रिक्शन दिख गए कुल मिलाकर मेरे को जो रेस्ट्रिक्शन मिले यहाँ पर दो और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया एक तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिग्री ऑफ़ फ्रीडम निकालू तो कितना हो गया थ्री इंटू वन माइनस टू तो ये कितना हो गया थ्री माइनस टू इजकअल्स टू वन तो यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया वन और सिंपली आप वैसे भी डिफाइन करोगे वैसे भी अगर निकालने की कोशिश करते हो तो ये पेंडुलम को यहाँ से और यहाँ अगर मैं मोशन कराता हूँ ऐसे ट्रू एंड फोर्थ मोशन में ऐसे कराता हूँ तो यहाँ पर लेंथ तो फिक्स है तो लेंथ की हमें ज़रूरत ही नहीं है है ना तो केवल और केवल कौन सा पैरामीटर चाहिएगा थीटा पैरामीटर चाहिएगा तो थीटा पैरामीटर हमारा हमारे पास होगा थीटा का मतलब एंगल हमारे पास होगा तो हम इसकी मोशन को आराम से डिफाइन कर देंगे मोशन को पोजिशन को आराम से डिफाइन कर देंगे तो ये क्या होगा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन हमें पूछा जाए कि फाइंड uh, आउट फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हंड्रेड पार्टिकल्स ऑफ हंड्रेड पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन देखो भाई अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जब बच्चे इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं और इसका आंसर कैसे निकाल देते हैं एफ बराबर थ्री एन माइनस के और क्योंकि एन दिया हुआ है हंड्रेड तो थ्री इंटू हंड्रेड सीधा सीधा हंड्रेड किया माइनस जीरो तो, तो आंसर आ गया तीन सौ और ये हो जाता है गलत क्यों गलत हो जाता है उसका कारण है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्लेन क्या लिखा हुआ है प्लेन लिखा हुआ है तो प्लेन का मतलब क्या होगा अगर मैं प्लेन बना रहा हूँ मान लो ये प्लेन बन गया ऐसा तो ये एक्स हो गया अगर एक्स वाई प्लेन लूँ तो और ये वाई हो गया अगर मान लो मैंने वाई ले लिया तो मेरे को यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को एक तो x चाहिए और एक y चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए कितने चाहिए दो तो कितने पार्टिकल दिए हुए हैं 100 तो एक पार्टिकल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एक पार्टिकल की वो कितनी होगी टू होगी तो हंड्रेड पार्टिकल्स की जो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम होगी हंड्रेड पार्टिकल्स की जो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी टू इन और कितना हो जाएगा दो ठीक है क्वेश्चन बहुत सिंपल था दिखने में पर इसमें जो कैच है वो कहाँ फंसा दिया यहाँ पर प्लेन लिख कर तो बच्चे क्या करते हैं कि गलती इसमें ये कर देते हैं यहाँ पर ये यह फार्मूला लगाया आंसर लिख लग दिया तीन और तीन आंसर में ऑप्शन में भी होता है कई जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या अगर आप लोग सी एस आई आर नेट वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे या फिर मतलब आपके सलेबस में ये बी एस सी में हैं क्लासिकल मैकेनिक्स तो जैम वगैरह के एग्ज़ाम में या सी यू ई टी पी जे के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो ये जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन किया ये हमने डिस्कशन किया किसके बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और होपफुली ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक बार मैं वापस से कंक्लूड कर दूं कि मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द डायनेमिक सिस्टम इज नॉन एज डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है ना फिर डिग्री ऑफ़ फ्रीडम में हमने ये देखा कि सिंगल पार्टिकल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे टू पार्टिकल के लिए थ्री पार्टिकल के लिए एन पार्टिकल के लिए कैसे डिफ़ाइन करेंगे फिर हमने उसका फॉर्मूला देखा हमने ये जाना कि कॉन्फिग्रेशन स्पेस क्या होता है फिर हमने बात की कि कुछ एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने एक सिंपल पेंडुलम का एग्ज़ाम्पल लिया पार्टिकल्स का एग्ज़ाम्पल लिया फिर हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया तो ये पूरा का पूरा सिंपल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के बारे में था एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को ये हो सकता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और डिग्री ऑफ़ फ्रीडम दोनों को लेके क्योंकि कई लोग ऐसा पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होते हैं ठीक है हालांकि मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को इसके बाद वाले लेक्चर में पहले कंस्टेंट मोशन पढ़ेंगे उसके बाद जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दूंगा फिर भी मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और जब जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ डायनामिक सिस्टम यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ़ मिनिमम इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स क्योंकि यहाँ पर हम कंस्टेंट को क्या करते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमें मोशन को इम्पोज कर रहे कर रहे हैं वहाँ से हम जो कॉर्डिनेट्स हैं उसको कम करते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें मिनिमम चाहिए और जबकि हम जर्नलाइज कॉर्डिनेट्स की बात करेंगे तो जितने भी इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स होंगे चाहे उनमें डायमेंशन हो चाहे उनमें डायमेंशन नहीं हो उनको हम नाम क्या दे देंगे जनरलाइज कॉर्डिनेट्स तो हालांकि उसको आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम और जनरलाइज कॉर्डिनेट्स को एक दूसरे से कन्फ्यूज़ नहीं करना है और मैं तो ये कहूँगा अभी जनरलाइज कॉर्डिनेट्स की हमने बात ही नहीं की है तो उसके ऊपर कोई क्वेरी भी नहीं आनी चाहिए अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें आप लोगों को कोई क्वेरी है आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है उसमें आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं आपको लेक्चर कैसा लगा ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कोई भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करने हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन थैंक यू बाय